लेक्चर 8 हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनल लिमिट्स चैप्टर नंबर 1 सेकेंडरी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट हम पढ़ क्या रहे हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये उनके उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है क्या चीज है। किसी एक फंक्शन में रिपीट कर देता हूँ कि किसी एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है, उसको दूसरे फंक्शन में एडजस्ट करना, या फंक्शन को उसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स को दोबारा एफ ऑफ एक्स में ही सब्स्टिट्यूट करना, उसी के अंदर उसको एडजस्ट करना, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है सिंपली। अब यहाँ पे इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे। ये बस चार चीजें पूछ रहे हैं, हर पार्ट के लिए चार चीजें पूछ रहे हैं। मैंने पिछले पार्ट में जो उसका पहला पार्ट है उसमें आपको मैंने ए और सी पार्ट करवाया, यहाँ पे मैं आपको बी और डी पार्ट करवा देता हूँ। इसमें ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सिंप्लीफिकेशन में जाके, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके लिए सबसे पहले बी पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, बी पार्ट का। अब बी पार्ट में मुझसे क्या पूछ रहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, जी ओ एफ ऑफ एक्स, क्या फाइंड करना है आपने, जी ओ एफ ऑफ एक्स। ये मुझे यहां पे फाइंड करना है। इसका क्या मतलब है जी ओ एफ ऑफ एक्स का, कि मुझे क्या फाइंड करना है, जी इंटू एफ ऑफ एक्स, जी इंटू f of x। अब यहां पे अगर आप देखें तो पहले क्या लिखा हुआ है, f लिखा हुआ है या g लिखा हुआ है, g लिखा हुआ है पहले, तो सबसे पहले g का फंक्शन लिखें। इस पार्ट में g के इक्वल दिया हुआ है, here g of x is equal to x square plus 1 whole का square, x square plus 1 whole का square। तो जी एफ एक्स ये है हमारे पास, हमें चाहिए क्या, जी इंटू एफ ऑफ एक्स, ब्रैकेट में क्या है एफ ऑफ एक्स, इधर ब्रैकेट में क्या है एक्स, एक्स को फिर किससे रिप्लेस करोगे, यहां पे एफ ऑफ एक्स बन जाएगा इसी को, तो रिप्लेस एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, रिप्लेस एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, तो ऑब्वियसली दोनों साइड्स पे रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करें क्या आ जाएगा, g into f of x, x की जगह f of x रख दिया, इधर भी x की जगह f of x रखें, ये x की जगह f of x, बिल्कुल ध्यान से यहां पे, ये x की जगह मैंने f of x रखा है, इस x के ऊपर स्क्वायर भी है, तो आप भी यहां पे फिर स्क्वायर डालेंगे, ठीक होगी बात, प्लस 1 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके ऊपर होल स्क्वायर, ठीक होगी बात। अब हम इसको क्या करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, राइट साइड पे हम f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, कहां पे दी हुई है वैल्यू इस क्वेश्चन में, पार्ट में दी हुआ है, f ऑफ x भी दी हुआ है, g ऑफ x भी दी हुआ है, तो g into f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x की वैल्यू क्या है, अब ध्यान से जरा, f ऑफ x की वैल्यू है 1 ओवर अंडर रूट x माइनस 1, ये f ऑफ x की जगह मैंने पुट किया है, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस 1 है, फिर ब्रैकेट क्लोज और होल के ऊपर स्क्वायर, क्या आ जाएगा g into f ऑफ x। अब इसको सिंपलीफाई करें तो ये आपका b पार्ट सॉल्व हो जाएगा, g into f ऑफ x मतलब g ओ f ऑफ x फाइंड हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 1 ही, नीचे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 होल का स्क्वायर। यहां से मैं x माइनस 1 को एलसीएम ले लेता हूं, तो इधर तो x माइनस 1 है, तो ये 1 इसी तरह नीचे आ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये x माइनस 1 इस 1 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा x माइनस 1 और होल का स्क्वायर, ये 1 प्लस का और ये माइनस का आपस में कैंसिल,
पीछे आपके पास क्या आ जाएगा, g into f of x is equal to x over x minus 1 का square. g into f of x is equal to, हम square अलग अलग apply करते हैं, तो x square आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, x minus 1 whole का square. बस यहां तक काफी है, ये simplify हो गया. तो g into f of x का क्या मतलब है, g o f of x, ये एंटर लिखने पर. तो g o f of x क्या आ गया आपके पास यहाँ पे, x square over x minus 1 का square. ये हमें चाहिए, which is required. ठीक होगी बात. अब हम इसका d पार्ट सॉल्व करते हैं. d पार्ट में क्या फाइंड करना है, g o g of x, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, लॉन्ग में शॉर्ट में आ जाते हैं, दोनों में आ जाते हैं. डी पार्ट इसका जी ओ जी ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका. अच्छा, अब हम इसका डी पार्ट सॉल्व करते हैं, जी ओ जी ऑफ एक्स क्या लिखेंगे, हेयर क्या फाइंड करना है, जी ओ जी ऑफ एक्स इसका क्या मतलब होता है, क्या लिख सकते हैं इसको मैं, g into g of x, g into g of x, ये मुझे फाइंड करना है. अब यहां पे देखिए, यहां पे पहले क्या लिखा हुआ है, ऑब्वियसली पहले g लिखा हुआ है, बाद में भी g, लेकिन आपने देखना क्या है कि पहले क्या लिखा हुआ है. ठीक है, पहले g लिखा हुआ है, तो g का फंक्शन लिखें. नाउ g of x इज इक्वल टू, किसकी इक्वल है g of x, क्वेश्चन है, x square plus 1 whole का square, x square plus 1 whole का square. अब आपको चाहिए क्या, g into g of x, ब्रैकेट में क्या है, g of x, इधर ब्रैकेट में क्या है, x, x को रिप्लेस कर दें g of x से, रिप्लेस x by g of x, g into g of x is equal to g into g of x, replace किया x की जगह g of x रखा है, इधर भी x की जगह g of x रखे हैं, ध्यान रखा है सिर्फ x की जगह g of x, ये x है, इसकी जगह g of x, फिर ब्रैकेट लगाएं, whole के ऊपर, इसके ऊपर स्क्वायर, फिर प्लस वन, फिर ये ब्रैकेट क्लोज, और इस whole के ऊपर क्या है, स्क्वायर. अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपने ध्यान से यहां इसको समझ लें. तो g into g of x is equal to, अब g of x की वैल्यू क्या है वो पुट करें यहां पे राइट साइड, g of x की वैल्यू इस क्वेश्चन में है x square plus 1 होल का स्क्वायर, पुट करें x square plus 1 होल का स्क्वायर, ये आपने g of x की वैल्यू पुट की है, आपने g of x की वैल्यू पुट की है, इस सारी वैल्यू के ऊपर क्या है स्क्वायर, ये सारी वैल्यू के ऊपर जो स्क्वायर है वो मैंने लिख दिया, फिर क्या है प्लस वन, फिर ब्रैकेट क्लोज, और उस होल के ऊपर क्या है स्क्वायर. समझ आ गई बात, ये g of x की जगह ये वाली आपने वैल्यू पुट की है, ये जो स्क्वायर इसके ऊपर है वो, फिर प्लस वन, और ये फिर होल के ऊपर जो स्क्वायर. ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, g into g of x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वन होल का स्क्वायर. ओपन करें इसको, ये जो मैंने रेड में लिखा हुआ है ना, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये स्क्वायर, इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो अभी बाद में उसका काम है, पहले इस स्क्वायर को अप्लाई करें इसके ऊपर. तो a प्लस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये बड़ी ब्रैकेट जो बाय लिखी हुई है पहले वो लिखो, अब ये ओपन करें, a का स्क्वायर x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab, प्लस 2 ab, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 x स्क्वायर आ जाएगा, तो 2ab क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर.
ये x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर ये ओपन किया मैं, ठीक हो गई बात। अब इस सारे के ऊपर ये स्क्वायर इसी तरह मौजूद है, ये वाला वो इसी तरह आ गया प्लस 1 और फिर होल का स्क्वायर ये वाला। ये जो यहां पे कॉम्प्लिकेशन थी इसी की वजह से ये क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ आ गई बात। g इनटू g ऑफ x इज इक्वल टू, इसको अरेंज करके लिखें, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर। अभी भी ये और सिंप्लीफाई हो सकता है आसानी से, तो फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसके लिए आपको यहां पे एक और फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब क्योंकि पहले आपके पास टू टर्म्स का सम था तो a प्लस बी का स्क्वायर, अब यहाँ पे थ्री टर्म्स है 1 2 3, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर, वो वाला फार्मूला यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। अब वो फार्मूला होता किस चीज की इक्वल है, लेकिन तो साइड पे मेंशन कर देता हूं, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला है आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर। अब इसको यहां पे इंप्लीमेंट करवाएंगे, तो यहां पे a की जगह ले रहा है x4, b की जगह ले रहा है 2x के और c की जगह ले रहा है 1। ये फार्मूला यहां पे ओपन करना है, x की पावर 4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा x की पावर 8, ये a स्क्वायर। अब b स्क्वायर करें, b क्या है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4 बन जाएगा। फिर c का स्क्वायर लें, c क्या है 1, 1 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ये यहां तक हो गया। प्लस 2ab, 2 a क्या है x की पावर 4, b क्या है 2x का स्क्वायर, प्लस 2bc, b आपके पास क्या है 2x स्क्वायर, c आपके पास क्या है 1, प्लस 2ca, c आपके पास क्या है 1 और a क्या है x की पावर 4। अब होल ब्रैकेट सारी लिख के सारा फिर ब्रैकेट क्लोज और इस होल के ऊपर क्या है स्क्वायर, ये जो आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके टर्म्स जो रहती हैं फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ये इसमें प्लस 1 भी एंड था वो भी मैंने यहां पे मेंशन कर दिए, ठीक है। ये यहां तक तो ये हमारा a प्लस b प्लस c होल का स्क्वायर ओपन हो गया और ये प्लस 1 इसी तरह नीचे चलता आ रहा। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और अरेंज करके लिखते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास x की पावर 8 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, x की पावर 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 6 बन जाएगा, बेस सेम पावर एंड उस नजरिए से, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 = 4, 4x की पावर 6, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 = 4, 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 तो 4x स्क्वायर ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2x की पावर 4 आ जाएगा, प्लस 1 और 4 के ऊपर स्क्वायर, ये प्लस 1 इसी तरह चलता है, ये वो वाला प्लस 1 लिखते हैं, तो g इनटू g ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 8, अब 8 के बाद कौन सी हाईएस्ट पावर है 6, इसकी एक ही टर्म है तो वो लिखते हैं 4x की पावर 6, अरेंज करके लिखता हूं, उसके बाद पावर 4 है 2x की पावर 4 4x की पावर 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x की पावर 4, फिर स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 1 और प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 और 4 का स्क्वायर। अब यहां पे इसका स्क्वायर ओपन करना 5 टर्म्स का ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम
और ज्यादा सिंप्लीफाई मतलब इसको इजीली नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर है। ये हमने g into g of x फाइंड कर लिया। g into g of x फाइंड करने का मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया है, g o g of x किसकी इक्वल आ गया है, देखो तो फिर लिखते हैं x की पावर 8 प्लस 4x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर व्हिच इज रिक्वायर्ड। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, और इस थर्ड पार्ट के लिए हमने फर्दर जो हमारे पास 4 पार्ट थे, 4 पार्ट थे ए बी सी डी, उसमें से सिर्फ मैंने बी और डी को सॉल्व किया है। यहाँ पे जो मैंने पहला पार्ट पिछले लेक्चर में किया था उसमें हमने किस किस को डिस्कस किया है, ए और सी पार्ट को, इसमें किस किस को डिस्कस किया है, बी और डी पार्ट को। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन हैं 2 पार्ट्स रहते हैं, तो वो आपने